हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ मैक्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि यूरोप ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मैं उन सभी लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे YouTube पे और Instagram पे द मोस्ट आस्क क्वेश्चन ये है कि वेन इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लान अ यूरोप ट्रिप। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन और मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे आप अपना यूरोप का ट्रिप प्लान कर सकें। तो यूरोप में 4 सीजन्स हैं, समर्स, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। और हर सीज़न में यूरोप घूमने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप किसी भी सीज़न में वैसे तो यूरोप आ सकते हैं और उसे इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको इन चारों सीज़न के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है और आप कैसे इन सीजन्स को इन्जॉय कर सकते हैं और फिर आप अपने बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समर सीज़न की। तो समर सीज़न सबसे अच्छा सीज़न होता है। यही एक सीज़न होता है जब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यूरोप में। अब क्यों आते हैं? क्योंकि समर सीज़न में डे लाइट बहुत होता है, मतलब जो सनसेट होता है वो आफ्टर 9:30 या 10 o'clock पे होता है। तो आपको बहुत सारा डे लाइट मिलता है बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को घूमने के लिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि ये टाइम पे बच्चों का छुट्टी होता है, मतलब स्कूल्स का वेकेशन होता है। तो यही टाइम बहुत सूटेबल होता है काफ़ी सारे फैमिलीज़ के लिए यूरोप ट्रिप घूमने के लिए। यही टाइम होता है जब यूरोप थोड़ा वार्म रहता है और सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं और बहुत लाइवली सा माहौल रहता है। पर यही टाइम होता है जब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इसका मतलब ये है कि यही टाइम होगा जब सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। हर चीज़ जहां आप जाना चाहेंगे वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। मतलब कि जैसे आप होटल बुक करेंगे तो उसका पीक टाइम होगा, आप प्लेन या फ़्लाइट बुक करना चाहेंगे तो उसका पीक टाइम होगा। तो मतलब कि अगर आप समर टाइम में प्लान कर रहे होंगे तो आपको अगर बजट ट्रिप प्लान करनी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और यही पीरियड है सबसे कॉस्टली पीरियड भी, मतलब कि होटल के प्राइजेस, फ्लाइट के प्राइजेस, बसेस के प्राइजेस ऑल टाइम हाई रहते हैं। और हर प्लेस थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, मतलब जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हो सकता है आपको उसमें क्यू में खड़ा होना पड़े और आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। और अगर आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो वो भी क्राउडेड हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट प्रेफर करते हैं समर टाइम में ही आना। तो हर चीज़ आपको थोड़ी क्राउडेड और एक्स्ट्रा टाइम पर मिल सकती है। तो आप अगर बजट ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो समर टाइम आपके लिए फिर बेस्ट टाइम नहीं है। पर अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समर टाइम बेस्ट टाइम होगा क्योंकि तब वही सब कुछ वार्म होगा और आप बीचेस पे घूम सकते हैं और बहुत सारे स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्पेसिफिकली समर टाइम पे। तो अगर बजट का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है और बच्चों की छुट्टी का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो समर टाइम ही बेस्ट टाइम होता है यूरोप ट्रैवल करने के लिए। हाँ, पर अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं जो स्नो स्पेसिफिक है, जैसे स्कीइंग करना चाहते हैं या नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हैं, तो फिर वो आप समर टाइम पे नहीं देख सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट सीज़न को चूज़ करना पड़ेगा। समर सीज़न के बाद आता है ऑटम सीज़न और ये टाइम हो सकता है बेस्ट आपके ट्रैवल करने के लिए अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो। यूरोप में इस टाइम पे स्कूल हॉलीडेज ख़त्म हो चुके होते हैं और जो मेन टूरिस्ट होते हैं, जो पीक सीज़न होता है टूरिस्ट का, वो भी ख़त्म हो चुका होता है। तो काफ़ी कम टूरिस्ट होते हैं, प्लस जो ऑल टाइम पीक प्राइजेस हाई हो जाते हैं समर टाइम पे वो भी नीचे आ जाते हैं। तो मतलब आपके होटल के प्राइजेस, फ़्लाइट के प्राइजेस वो सब भी नीचे हो जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है यूरोप घूमने के लिए। एक तो क्योंकि ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और सारे प्राइजेस भी कम हो चुके होते हैं। ऑटम सीज़न का एक और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इस टाइम पे आ जाते हैं फॉल कलर्स, मतलब कि जो लीव्स हैं वो ऑरेंज, रेड, येलो, इन सारे कलर्स की हो जाती हैं। तो उससे जो यूरोप का लैंडस्केप है वो बहुत ही सुंदर लगता है।
प्लस आप अगर किसी माउंटेन ट्रिप्स को प्लान करना चाह रहे हैं तो स्टिल आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो क्लाउडेड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी विंटर्स आई नहीं है और समर्स के डेज अभी अभी गए हैं, तो काफ़ी ऐसे डेज मिल जाएंगे तब जब आप माउंटेन ट्रिप्स को प्लान कर सके। प्लस अगर आप बीच प्लान करना चाह रहे हैं तो इतना अच्छा टाइम पीरियड तो नहीं है ऑटम का बीच प्लान करने के लिए, बट स्टिल कुछ ऐसे सनी डेज होंगे जब आप प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली बीच का प्लान करना चाहते हैं तो फिर आप समर्स को ही चूज़ करिए। पर अगर आप बाकी सिटी ट्रिप्स प्लान करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो ऑटम बेस्ट टाइम है सिटी ट्रिप्स के लिए भी। तो अगर आप बजट ट्रिप पे हैं और आप अपने ऑफिस और बच्चों की छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं तो फिर ऑटम सीज़न बेस्ट सीज़न है यूरोप ट्रिप प्लान करने के लिए। ऑटम सीज़न के बाद आता है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में यूरोप में काफ़ी ठंड हो जाती है और कहीं कहीं तो स्नोफॉल भी बहुत होता है, और यहाँ पे दिन भी छोटे हो जाते हैं, मतलब कि अराउंड 3:30 या 4 o'clock पे रात हो जाती है, तो आपको जो डे लाइट है वो बहुत ही कम मिलता है। तो अगर आपको घूमना है तो आपको मुश्किल से दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही मिलते हैं जब आप घूम सकते हैं। मगर आप यूरोप की स्नोफॉल देखना चाहते हैं और विंटर मंथ्स को इन्जॉय करना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर आइए। यूरोप विंटर मंथ्स में भी बहुत कुछ ऑफर करता है, क्योंकि तब आती है क्रिसमस और न्यू ईयर, तो आप क्रिसमस मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं, न्यू ईयर को यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और यही टाइम पीरियड है जब सारी जगह लाइट्स हो जाती हैं, मतलब कि स्ट्रीट में पूरे तरीके से डेकोरेशन हो जाता है, जैसे अपने यहाँ दिवाली पे होता है बिल्कुल वैसे ही सारी स्ट्रीट्स पे लाइटनिंग हो जाती है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। विंटर सीज़न में प्राइजेस ओके ही रहते हैं, बस अगर क्रिसमस या न्यू ईयर पे प्लान कर रहे हैं तो तब थोड़ा हाई हो जाते हैं प्राइजेस, बाकी ओवरऑल तो प्राइजेस कम ही रहते हैं। बाहर बारिश होने लगा था इसलिए मैं अंदर आ गई, तो इस वीडियो को अब हम कंप्लीट करते हैं अंदर से ही। हम लोग बात कर रहे थे विंटर सीज़न की, तो एक्चुअली विंटर सीज़न बेस्ट हो सकता है अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो। हाँ, आप क्रिसमस और न्यू ईयर वाला पीरियड अवॉइड कर दीजिए और उसके बाद आप जनवरी में आइए, क्योंकि जनवरी में ना कोई टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं और जो प्राइजेस होते हैं वो भी अपने लोएस्ट पे रहते हैं, तो आप जनवरी में आके आराम से घूम सकते हैं। अगर आप सिटी ट्रिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेस्ट टाइम है। हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अभी भी टेम्परेचर्स काफ़ी कम होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है, तो आप अगर इस टाइम पे आ रहे हैं, मतलब विंटर सीजन में आ रहे हैं, तो आपको अपनी पैकिंग में काफ़ी सारे जैकेट्स और थर्मल वेयर्स, ये सारी चीज़ें पैक करके लानी होगी। अगर आप कोई स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जैसे स्कीइंग करना चाहते हैं तो भी यही टाइम पीरियड बेस्ट है, और अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हैं तभी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होती है नॉर्दर्न लाइट्स देखने की जनवरी और फरवरी में, तो तभी आप अपना ट्रिप को प्लान करिए। ओवरऑल अगर आप कोल्ड वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं और यूरोप का एक अलग साइड देखना चाहते हैं तो विंटर सीज़न बेस्ट सीज़न होगा। ऑन टॉप ऑफ इट यही सीज़न होगा जब आपका बेस्ट बजट ट्रिप भी प्लान हो सकता है, तो आप आइए यूरोप विंटर सीज़न में अगर आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको विंटर क्लोथ्स लाना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमने अभी तक बात कर ली है समर सीज़न की, फॉल सीज़न की मतलब ऑटम सीज़न की, फिर हमने बात करी विंटर सीज़न की, और अब बात करते हैं हम स्प्रिंग सीज़न की। स्प्रिंग सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न होता है क्योंकि तब आती है सारे ट्रीज़ में लाइफ, मतलब कि सारे ट्रीज़ में लीव्स आ जाती हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आने लग जाते हैं, बहुत सारी बर्ड्स दिखती हैं, तो इस टाइम पर आने में बहुत ही अच्छा लगता है। बजट पर्सपेक्टिव से ये कंपेरेबल है ऑटम सीजन से। हाँ, विंटर सीजन से थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और समर सीजन से थोड़ा चीप हो सकता है, बट अभी भी अगर आप ऑटम सीजन को और स्प्रिंग सीजन को मैच करना चाहें तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइजेस रहेंगे। ये बेस्ट टाइम है अगर आप कोई सिटी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं या कोई माउंटेन ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कोई बीच पे जाना चाहते हैं तो फिर ये बेस्ट टाइम नहीं है क्योंकि सी अभी भी बहुत कोल्ड हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप नेदरलैंड्स के ट्यूलिप फील्ड्स देखना चाहते हैं तो यही टाइम है जब आप आ सकते हैं। स्प्रिंग सीजन के जो 2 months होते हैं तभी ये ट्यूलिप फील्ड्स आते हैं और आप तभी देख सकते हैं। बहुत सारे वो लोग मुझसे पूछते हैं कि वो नेदरलैंड्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो क्या अक्टूबर में आएंगे तो उन्हें ट्यूलिप फील्ड्स दिखेंगे, तो उसका आंसर है नहीं। जो ट्यूलिप फील्ड्स हैं और जो क्यूकेनॉफ जो बहुत फेमस गार्डन है जहाँ पे शूटिंग हुई है सिलसिला मूवी की, वो सारा जो फ्लावर्स है वो आता है सिर्फ स्प्रिंग सीजन में।
इस सीज़न में भी टेम्परेचर्स कम रहते हैं, मतलब अभी भी कोल्ड वेदर रहता है। हाँ, स्नोफॉल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो अगर आप इस सीज़न में आ रहे हैं तो भी आप अपने जैकेट्स और थर्मल वेयर अपने साथ में लेकर आइए। स्प्रिंग सीजन में अप्रैल एंड और मई और अर्ली जून का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि तब स्कूल के हॉलीडेज नहीं होते हैं और टूरिस्ट भी थोड़े कम होते हैं, तो आपको ये टाइम पीरियड पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो डे लाइट होता है, मतलब जो डेज होते हैं वो भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मतलब अराउंड 7 o'clock पे अराउंड सनसेट होता है, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा घूमने के लिए भी। तो अगर आप स्प्रिंग सीजन में प्लान करना चाहते हैं तो मे बी आप अप्रैल एंड में या स्टार्टिंग ऑफ जून इस टाइम पीरियड पे प्लान कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन कैन यू प्लान योर यूरोप ट्रिप। आप अपने बजट और टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप समर्स में चूज कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, या फिर आप फॉल चूज कर सकते हैं क्योंकि तब डेज तो भी थोड़े वार्म होते हैं, या आप विंटर्स चूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्नो एक्टिविटीज करनी है, या स्नोफॉल देखना है, या नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, या फिर आप स्प्रिंग सीजन में प्लान कर सकते हैं अगर आपको ट्यूलिप फील्ड्स या फ्लावर्स देखने हैं। तो ये सारे सीजन अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज लेके आते हैं, तो आप चूज कर लीजिए अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। आपको यूरोप ट्रैवल को लेके या कोई और भी ट्रैवल को लेके और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसके लिए अलग से या तो वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करिए, मेरा हैंडल है शेड्स ऑफ मैक्स, उसमें मैं बहुत सारे अपने पिक्चर्स और लाइफ स्टोरीज अपडेट करती रहती हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो सब देख के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। आपने अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है मेरे चैनल के लिए तो ज़रूर दबाइए, जिससे अगर मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इस वीडियो के एंड में मैं सारे सीजन्स के पिक्चर्स और वीडियोस को डालूंगी, मतलब समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, तो आप वो सारे पिक्चर्स और वीडियोस को देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइम सुटेबल क्या है, तो देखते रहिए। हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, बट कीप वॉचिंग।